हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन लोग 12 वोल्ट डीसी मोटर को डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी करंट पे चलाने वाले हैं, वो भी सिर्फ डायोड की मदद से। अपन लोग इस वीडियो के अंदर कोई भी ट्रांसफार्मर का नहीं इस्तेमाल करेंगे, कोई भी एडाप्टर या चार्जर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट 12 वोल्ट डीसी मोटर को डायोड की मदद से 220 वोल्ट एसी करंट पे चलाने वाले हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमें सबसे पहले चार डायोड ले लेना है और ये डायोड आप देख सकते हैं जो कि ये 4700 है और एक डायोड 1 एम्पियर का ये है, ठीक है। और आपको इस डायोड को ब्रिज बना लेना है, जो कि आपको ब्रिज बनाने की एक सिंपल सा क्या करना है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि इनमें से कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है, ठीक है। तो आप इनमें से देख सकते हैं जो हम लोग का व्हाइट कलर का पट्टी, इसमें आपको दो पट्टी दिख रहा होगा, एक व्हाइट कलर का और एक ब्लैक कलर का। तो ये दोनों पट्टी हम लोग का, जो व्हाइट कलर का पट्टी आपको दिख रहा है ये हम लोग का प्लस है और यहां पे जो ब्लैक दिख रहा है वो हम लोग का माइनस है। तो अपन लोग को क्या करना है कि इनमें से दो यहाँ पे डायोड को ले लेना है और दो डायोड को रख देना है, ठीक है। तो दो डायोड को हम लोग लेने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग एक साइड से, जैसे कि आप देख सकते हो, दोनों हम लोग ब्लैक साइड एक तरफ कर चुके हैं, व्हाइट साइड एक तरफ कर चुके हैं। तो इनमें से हम लोग दोनों को ब्लैक साइड को कुछ इस तरह से हम लोग इसको जोड़ देंगे, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से हम लोग इसके अंदर ऐड देंगे और हमें जो बाकी का दो ये डायोड है इनको हम लोग को ले लेना है और देखेंगे इनमें से हम लोग इनको भी अपने कुछ उसी तरह से साइड्स कर लेंगे, जो कि प्लस एक साइड हो जाएगा और मतलब यहाँ पे ब्लैक साइड एक तरफ हो जाएगा, व्हाइट साइड एक तरफ हो जाएगा। और इस दूसरे वाले डायोड को देख लेंगे कि इनमें से किस वायर को हम लोग प्लस किए थे, तो हम लोग यहाँ पे ब्लैक वाले को जोड़े थे, तो यहाँ पे हम लोग माइनस वाले को जोड़ेंगे, सॉरी मतलब यहाँ पे व्हाइट वाले को जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस व्हाइट वाले के छोर को पकड़ेंगे और इसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। दोनों को हम लोग कुछ इस तरह से इसको जोड़ देंगे और जो हम लोग का ये बाकी का दो छोर बचेगा इसको हम लोग कुछ इस तरह से ऐड कर देंगे, जैसे कि आप ये देख सकते हो। तो इनको भी हम लोग कुछ इस तरह से इसके अंदर जोड़ देंगे। अभी हम लोग का ये चार जो डायोड थे वो हम लोग का ब्रिज बन के तैयार हो चुका है। कुछ इस तरह से आपको भी ये ब्रिज बना लेना होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसे किस तरह से हम लोग ऐड किए हुए हैं, ठीक है। और अभी हम लोग की फाइनल बात आती है कि इनमें से हम लोग का कौन सा एसी वायर है, कौन सा हम लोग का डीसी वायर है और कौन सा प्लस और कौन सा माइनस है। तो ये हम लोग का सबसे जरूरी है, ठीक है। तो अपन लोग यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ध्यान से बता दूं कि जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये हम लोग का जो ब्लैक साइड का दोनों यहाँ पे देख सकते हैं कि साइड का हम लोग का दोनों ब्लैक है, ठीक है, और इधर का हम लोग का दोनों व्हाइट है। तो ये हम लोग का डीसी वायर हो गया, सॉरी यहाँ पे डीसी आउटपुट हो गया, जो हम लोग का करंट मिलेगा डीसी हम लोग को इन दोनों वायर में से मिलेगा, ठीक है। इनमें से हम लोग का ये प्लस हो गया और ये हम लोग का माइनस हो गया। जो हम लोग का व्हाइट कलर का पट्टी है ये प्लस हो गया और ये ब्लैक कलर का पट्टी है ये माइनस हो गया। और ये जो बाकी दो वायर बचे हैं तो ये हम लोग का एसी करंट का है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एसी करंट को ऐड कर लेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा। फटाफट से हम लोग यहाँ पे वायरिंग कंप्लीट कर लेते हैं। अपन लोग का ये वायरिंग पूरा तरह से कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो हम लोग का ये यहाँ पे जो व्हाइट और यहाँ पे रेड कलर का जो वायर है इसमें हम लोग एसी करंट लिए हुए हैं और जो हम लोग का ये व्हाइट और ब्लू कलर का जो वायर है इसमें इन दोनों में हम लोग का एसी करंट है, ठीक है, मेन एसी है। और ये जो हम लोग का दो वायर है ये हम लोग का मोटर में डायरेक्ट जाता है, जो कि ये डीसी 12 वोल्ट सप्लाई हम लोग को देगा और हम लोग का ये दो एसी है, ठीक है। आप ये देख सकते हो टोटल पूरा वायरिंग आपको यहाँ पे दिख रही है। एंड हम लोग का ये मोटर 12 वोल्ट यहाँ पे 775 डीसी मोटर है, जो कि आपको पता होगा कि ये 12 वोल्ट पे ओनली चलती है। और हम लोग का टोटल वायर का आप कनेक्शन देख सकते हो कुछ इस प्रकार से है। एंड हम लोग को भी अभी यहाँ पे मान लीजिए कुछ इस तरह से कि एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सब आपको दिखाते होंगे, बहुत सारे मैं यूट्यूब पर वीडियो देखा इसके बारे में, हमें पता है कि ये रियल है या हम लोग को डायोड पे मोटर चलेगी, लेकिन बाकी सब वीडियो में ट्रांसफार्मर से लोग चलाते हैं तो यार थोड़ा सा अपन को भी डर लग चुका है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे छोटा सा फेज का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम लोग का घर में वायरिंग का शॉर्ट सर्किट ना हो, तो जो भी खतरा हो हम लोग को सिर्फ इतना ही दूर में हो सके, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे 220 वोल्ट एसी करंट पे हम बोर्ड का यहाँ ले चुके हैं, इसी के अंदर हम लोग इसको करंट देंगे और यहाँ से चला के देखेंगे डायरेक्ट ये मोटर हम लोग की चल रही है कि नहीं चल रही है। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। यार गैस, जो कुछ भी हो आपको तो वीडियो में पता चल गया है, स्लो मोशन में आपको भी स्लो मोशन करके भी दिखाया था, लेकिन अभी मैं फाइनल जो रिजल्ट है यहाँ का है मैं वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको हम लोग निकाल लेते हैं
और यहाँ पे आपको सबसे पहले बोर्ड का जो स्विच है देख सकते हो, हम लोग के बोर्ड में करंट है अभी भी, मतलब ये करंट हम लोग का चालू है, इसको हम बंद करते हैं और ये दो जो स्विच है हम लोग का जो इसमें हम लोग करंट दिए थे ये अपन लोग का अटक चुका है, यानी कि इसमें शॉर्ट सर्किट हो चुका है, पूरा तरह से स्विच जल चुका है। और ये दूसरा स्विच हम लोग का काम कर रहा है, ये भी स्विच काम कर रहा है, लेकिन ये स्विच हम लोग का काम नहीं कर रहा है। आप देख लो बटन को दबा रहा हूँ तो पूरा बोर्ड ही हिल रहा है, ठीक है, तो हम लोग का स्विच पूरा तरह से खत्म हो चुका है। तो इस प्लग को अपन लोग पहले निकाल लेते हैं और यार यहाँ पे देखो जो मेन काम यहाँ पे हुआ है वो देखो, जो यहाँ पे हम लोग का फेज था यहाँ पे देख सकते हो, वो फेज हम लोग का बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे मोटर हम लोग की जो है मोटर भी हम लोग की बिल्कुल चालू करने से में कोई दिक्कत नहीं हुआ, जो कि मोटर हम लोग पिछली वीडियो हम लोग दो तीन वीडियो बना चुके हैं मोटर के ऊपर, तो हम लोग को पता है कि मोटर में क्या खराबी होती है। तो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो वीडियो आके देख लीजिएगा, चैनल पे हम लोग के मोटर के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेन बात यह है कि यार एक्चुअली डाइवर्ट से ये मोटर बिल्कुल नहीं चली। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले ध्यान से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि जो हम लोग का यहाँ पे चार डाइवर्ट था वो चार डाइवर्ट पूरा तरह से खत्म हो चुका है, यानी कि उड़ चुका है। यहाँ पे देख लो कोई डाइवर्ट बाकी नहीं है, देख सकते हो ये पूरा तरह से डाइवर्ट पूरा तरह से खत्म हो चुका है। हमें लगा था कि नहीं ये चलेगा, एक्चुअली हम लोग को यही यकीन था कि हम लोग का 12 वोल्ट डीसी मोटर डाइवर्ट की मदद से डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी करंट से चल पाएगा, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाया। सो गाइस आज जो कुछ भी हुआ आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें पूरा 100% यहाँ पे यकीन था कि नहीं डाइवर्ट से हम लोग का 12 वोल्ट डीसी मोटर चलेगा। मैं पिछली वीडियो मतलब एक पहले ही वीडियो बनाया था जो कि आपको थंबनेल दिख रहा होगा, इसमें हम लोग का कुछ प्रकार से यहाँ पे डाइवर्ट लगाया था, तो उसमें मुझे कमेंट आया था कि नहीं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, जो उस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दिया था उसी वीडियो में मुझे कमेंट करके बताया गया था कि नहीं ये डायरेक्ट डाइवर्ट पे 220 वोल्ट एसी करंट से 12 वोल्ट डीसी करंट चल रही है। इसकी वजह से मैं आपको लाइव दिखाना चाहे, एक्चुअली मुझे यहाँ पे बिल्कुल पता नहीं था, मुझे जो कमेंट आया था मुझे इसलिए लगा था कि नहीं ऐसा हो सकता है, शायद चल सकता है, क्योंकि आप लोग का ओपिनियन था, आप लोग मुझे बताए थे इसके लिए हम लोग ये कर रहे थे, बट ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देख सकते जैसा हुआ आपको वीडियो के अंदर पूरा पता चली गया। सो गाइस आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है, तो ऐसे ही और कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपको दिखा सकूं। थैंक यू गाइस वीडियो फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।